नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 15,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए अपडेट तक 709 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 15,039 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो सबसे अधिक पटना में 133, अररिया में 5, अरवल में 5, बांका में 7, बेगूसराय में 19, भागलपुर में 75, भोजपुर में 7, बक्सर में 7, दरभंगा में 1, गया में 38, गोपालगंज में 23, जमुई में 39, जहानाबाद में 7, कैमूर में 3, कटिहार में 17, खगड़िया में 12, लखीसराय में 7, मधेपुरा में 11, मधुबनी में 9, मुंगेर में 15, मुजफ्फरपुर में 38, नालंदा में 6, नवादा में 69, पूर्वी चंपारण में 11, पूर्णिया में 18, रोहतास में 4, सहरसा में 20, समस्तीपुर में 24, सारण में 27, शेखपुरा में 5, शिवहर में 2, सिवान में 16, सुपौल में 12, वैशाली में 17 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कोविड-19 से अब तक 10,991 मरीजों की स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 से अब तक 118 लोगों की जान भी जा चुकी है। बिहार में मात्र 30 मिनट में होगी कोविड-19 संक्रमितों की पहचान। बिहार में अब कोविड-19 संक्रमितों की पहचान करना और ज्यादा आसान हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप संक्रमितों की पहचान के लिए मोबाइल वैन भी घूम घूम कर दूर दराज के गांव में संक्रमितों की जांच कर उनकी पहचान कर सकेगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली की प्रक्रिया बिहार में शुरू करवाई जा रही है, जिससे कि अब मात्र 30 मिनट में परिणाम सामने आ जाएंगे, जिसके लिए ICMR ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र जारी कर दी है। उस पत्र में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू करने का निर्देश भी दे दिया है। साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति को मिला प्रोफेशनल ट्रेनर। अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से दरभंगा पहुंची ज्योति आज किसी भी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। वहीं ज्योति को अब आधिकारिक तौर पर साइकिलिंग फेडरेशन ने टेस्ट के लिए आमंत्रण दिया है। इतना ही नहीं, अब ज्योति को ट्रेनिंग के लिए दरभंगा के SSP बाबूराम ने बड़ी पहल की है, जिसके तहत दरभंगा के SSP बाबूराम ने ज्योति को ट्रेनर मुहैया करवा दिया है, जिसके बाद अब ज्योति आसानी से अपनी ट्रेनिंग कर सकेगी। एक ही परिवार के 25 लोग मिले कोविड-19 पॉजिटिव। बीते दिन गया जिले में एक ही परिवार के 25 सदस्य में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार कुछ दिनों पहले इस परिवार में एक समारोह हुआ था, जिसमें कई लोग बाहर से भी आए थे। इनमें शामिल कुछ सदस्यों के रिपोर्ट झारखंड के लोहरदगा में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर जाँच करवाने का आग्रह किया था। ट्रूनेट जाँच के बाद परिवार के 25 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इन्हें बोधगया में आइसोलेट कर दिया गया है। हालांकि एक ही परिवार के इतने लोगों से प्रभावित होने के बाद जिला प्रशासन सतर्कता के साथ काम कर रही है। अब किसानों को प्रखंड और जिला कार्यालय के आगे पीछे घूमने की नहीं होगी जरूरत। बिहार के किसानों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत बिहार के 8,402 पंचायतों में से 5,050 में राज्य सरकार ने कृषि कार्यालय की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद अब किसी भी किसान को प्रखंड या जिला कार्यालय के इर्द गिर्द चक्कर नहीं काटने होंगे। मिली जानकारी के अनुसार राज्य के सभी जिलों के पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय की स्थापना को स्वीकृति दे दी गई है, जिससे राज्य के किसानों को सहूलियत मिलेगी। नेपाल के कई इलाके में हो रही बारिश ने बिहार में बाढ़ की बढ़ाई संभावना। नेपाल के कई इलाकों में लगातार बारिश जारी है, जिसके बाद बिहार में बाढ़ की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा विभाग को सतर्क रहने का निर्देश जारी कर दिया है। CM ने साफ तौर पर कहा है कि तटबंध के पास बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, जिसके बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाढ़ के संभावित परेशानी वाले इलाकों में DM से बात की है और जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अधिकारियों तरफ से मिली जानकारी के बाद शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सारण की नदियां उफान पर आ गई है। केंद्र सरकार ने दी विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल बनाने की अनुमति। बिहार में विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है, जिसके तहत भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए पुल के निर्माण में 1,116.79 करोड़ की लागत को स्वीकृति दे दी गई है, जिसके बाद अब 4 साल में इस पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह पुल लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा बनेगा, जिसमें 68 पाया होंगे। वहीं पुल के निर्माण के लिए 21.3 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी।
परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए जारी की जरूरी दिशा निर्देश। सभी वाहन चालकों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दी गई है, जिसके तहत अब वाहन चलाते वक्त हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ फेस मास्क लगाना आवश्यक कर दिया गया है। बिना फेस मास्क लगाए वाहन चलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी पूरी जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें कि साफ तौर पर बिहार के सभी जिलों में हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ फेस मास्क जाँच मुहिम चलाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों से 14,05,000 रुपए की वसूली भी की जा चुकी है। नेपाल ने एक बार फिर से दिखाई अपनी नापाक हरकत। भारत चीन के विवाद पर पूर्ण विराम लगने के बाद अब नेपाल के साथ तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। पहले नेपाल ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, वहीं नेपाल की तरफ से नेपाल सीमा पर बसे भिकना ठोरी गांव में नेपाल ने अपनी ओर से आने वाले एक नाले को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पानी में सिंचाई के अलावा बर्तन और कपड़ा धोने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं सोलर पंप बंद हो जाने की वजह से पीने के पानी की भी किल्लत हो गई है, जिसके बाद अब गांव के लोग 1 किलोमीटर दूर पंडाल नदी से पानी लाकर उसे उबाल कर पीने पर मजबूर हो गए हैं। बिहार के जहानाबाद में अब 5 दिनों का लगा लॉकडाउन। बिहार में कोविड-19 के बेलगाम मामलों को देखते हुए अलग अलग जिलों में धीरे धीरे करके लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सिर्फ बिहार की बात करें तो अब तक 15,000 से ज्यादा प्रभावितों की संख्या सामने आ चुकी है। वहीं अब कोविड-19 के बेकाबू हो रहे मामलों को देखते हुए जहानाबाद जिले में 5 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। अधिकारी नवीन कुमार ने यह फैसला सुना दिया है, जिसके बाद जिले में अब 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक आवश्यक सामग्री सेवा को छोड़कर पूरे जिले में सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक हलचल और बयानबाजियों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार की खामियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष ने बीते दिन सुबह उठते उठते ही बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया, जिसमें तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के जरिए कहा कि 15 वर्षों की नीतीश सरकार बताए कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार क्यों है। इतना ही नहीं, तेजस्वी द्वारा जारी किए गए तस्वीर में 86.3% विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी, 70.1% लैब टेक्नीशियन के पद खाली होने और नर्सों के 44% पद खाली होने की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विचारधारा के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए आरसीपी सिंह ने किया प्रेरित। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने गूगल मीट और फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से युवा जदयू के साथ बातचीत की है, जिसके तहत उन्होंने युवा जदयू के कार्यक्रम में युवा विचार विकसित बिहार नीतीश कुमार का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि युवा शब्द के अर्थ को सभी युवाओं को समझने की जरूरत है। युवा का अर्थ है ऊर्जा और अपार क्षमता। समय भी युवाओं के पास पर्याप्त है, बस उन्हें विचारों से लैस हो जाना है ताकि वे समाज के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सके। इसलिए मैंने सभी युवाओं से अपील की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विचारधारा से जरूर वाकिफ हो। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान के बाद अब प्रशांत किशोर ने भी चुनाव को टालने की कही बात। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले चुनाव को टालने की बात कही थी, जिसके बाद अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इसी बात को दोहराया है। इसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश के कई राज्यों की तरह बिहार में भी कोविड-19 की स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकारी तंत्र और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है। नीतीश कुमार जी के चुनाव नहीं, कोविड-19 का सामना करने का वक्त है। लोगों की जिंदगी को चुनाव कराने की जल्दी में परेशानी में मत डालिए। भागलपुर में लॉकडाउन और मास्क को लेकर शुरू की गई विशेष मुहिम। कोविड-19 के मामले बिहार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर लोग समझने को तैयार नहीं है, और यही कारण है कि एक बार फिर से बिहार के कई जिलों में लॉकडाउन को लागू करना पड़ गया है, क्योंकि बेलगाम मामले सामने आने लगे हैं, जिसके बाद भागलपुर में 7 दिनों के लॉकडाउन और मास्क के लिए भागलपुर पुलिस ने विशेष मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत भागलपुर के चौक चौराहे पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करने के साथ साथ लॉकडाउन का अनुपालन कराना है। प्रमंडलीय आयुक्त ने ली जिलों में कोविड-19 के रोकथाम और बचाव के लिए जानकारी। प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने कोविड-19 के रोकथाम और बचाव कार्य की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसके दौरान उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी सैंपल कलेक्ट कर जाँच कराए जाते हैं उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इतना ही नहीं, संजय अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों से सैंपल कलेक्शन के बारे में जानकारी भी प्राप्त करने के साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाले व्यक्तियों के सैंपलिंग कार्यों में भी तेजी लाने का निर्देश जारी किया है।
अमिताभ बच्चन भी आए कोविड 19 की चपेट में। कोविड 19 सभी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं इसके चपेट में अब कई सितारे भी आ चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिग बी भी अब कोविड 19 की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरा खुद का कोविड 19 रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है, अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है, अस्पताल अथॉरिटीज को जानकारी दे दी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीते 10 दिनों में जो भी लोग उनसे मिलने आए हैं उनसे भी जाँच करवा की अपील की है। पटना एम्स में कोवैक्सीन को किया गया उपलब्ध। बिहार में बेलगाम कोविड 19 प्रभावितों की संख्या को बढ़ता देखकर पटना एम्स में कोवैक्सीन उपलब्ध करा दिया गया है और अब प्रबंधन 13 जुलाई को कोवैक्सीन का ट्रायल पटना एम्स में शुरू करने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार शुरू से ही कुछ लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर पी के सिंह ने 18 साल से लेकर 55 साल तक के लोगों से अपील की है कि वो ट्रायल में भाग लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर 9471408832 पर संपर्क कर सकते हैं। कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए बिहार में है 3 स्तर पर तैयारी। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कोविड 19 से आम नागरिकों को बचाने के लिए कोविड केयर सेंटर, कोविड 19 सेंटर और फिर कोविड हॉस्पिटल जैसे 3 स्तर पर टेस्ट फैसिलिटी फिलहाल बिहार में उपलब्ध है। इन 3 स्तर पर बेड बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में कोरोना के रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे उपायों की समीक्षा की गई है, जिसकी जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने साझा की है और साथ ही बताया है कि कोविड 19 की वर्तमान स्थिति को लेकर राज्य सरकार दूसरे सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुजफ्फरपुर के बाद अब सीतामढ़ी के गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार में मॉनसून सक्रिय होने के बाद प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। हर दिन प्रदेश में ज्यादातर जिलों में बारिश देखी जा रही है। नेपाल में भी हो रही बारिश की वजह से उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने भी सतर्कता की घोषणा कर दी है, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण बागमती और लखनदेई नदी का पानी जिले के नीचे घुस चुका है। इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी जिला के सोनबरसा प्रखंड और खाप खोपराहा गाँव में प्रवेश कर चुका है। यशवंत सिन्हा ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनसंवाद जारी रखने की कही बात। भाजपा के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कुछ दिनों पहले अपनी वर्चुअल रैली की शुरुआत की थी, जिसके बाद अब उन्होंने लोगों के साथ सीधा जनसंवाद करने का फैसला लिया है, जिसके लिए कुछ दिनों पहले वो जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम के साथ कई जिलों में लोगों के बीच जाकर जनसंवाद कर चुके हैं। मगर अब फिर से हुए बंद के कारण वो सीधे जनसंवाद की जगह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ने वाले हैं, जिससे कोविड 19 से बचा भी जा सके और लोगों की समस्याओं को भी सुनकर उनका हल निकाला जा सके। जदयू ने बिहार में एक ही दिन में चुनाव कराने की मांग। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है। हालांकि कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चुनाव के आयोजन को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने में मिल रही है। वहीं अब जदयू नेता और मंत्री नीरज कुमार ने एक ही दिन में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने कहा है कि समय सीमा के अंदर चुनाव कराना संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। हालांकि अंत में उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो चुनाव कैसे करवाएंगे, मगर हमारा यही मानना है कि चुनाव एक ही बार में करवाकर खत्म किया जा सकता है। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण को बताया जरूरी। बीते दिन जनसंख्या दिवस के मौके पर बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने देश में बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर जोर दिया है। हालांकि सिर्फ बीते दिन ही नहीं, गिरिराज सिंह आए दिन जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने का मुद्दा उठाते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से कहा है कि अगर हमें विकसित देशों से मुकाबला करना है तो एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने अपना एक वीडियो भी साझा किया है। कोविड 19 के माहौल में बर्फ के पानी में एक साथ नहाते नजर आए ऋषभ पंत और सुरेश रैना। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच सभी खिलाड़ी फिलहाल मैदान से बाहर चल रहे हैं। वहीं इसी बीच विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस वक्त सुरेश रैना के साथ अभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान वो रैना के साथ आइस बाथ भी लेते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सुरेश रैना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें वो एक पोर्टेबल स्विमिंग पूल में बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ऋषभ भी रैना के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, खिलाड़ी अक्सर मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आइस बाथ लेते रहते हैं। चीन के कारण उत्पन्न हो रही परेशानियों को देखते हुए टिकटॉक जल्द ही शिफ्ट कर सकती है अपना हेडक्वार्टर। टिकटॉक भारत चीन के बीच उत्पन्न हुए तनाव के बाद से लगातार मुश्किलों का सामना कर रही है। इसे भारतीय बाजार से निकाल दिया गया है। वहीं अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इसे अपने बाजार से निकालने पर सोच विचार कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक चीन से पीछा छुड़ाने के जुगाड़ में लगा हुआ है, जिसके तहत टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने हेडक्वार्टर को चीन से बाहर शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें, दुनिया में टिकटॉक के कुल यूजर्स में 3% भारत में ही है। भारत में अब तक इस ऐप को करीब 60
करोड़ से ज्यादा डाउनलोड किए जा चुके थे। इसके तहत कंपनी भारत को अपने टॉप ग्रोथ देश के रूप में देखती है, लेकिन बंद होने की वजह से कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। चिराग पासवान को लेकर भाजपा ने कसा तंज। चिराग पासवान के बागी तेवर को देखते हुए एनडीए में फूट की चर्चा जोर शोर से सुनने में आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान आए दिन अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। हाल ही में चिराग पासवान ने चुनाव को स्थगित करवाने का बयान दिया था, जिसके बाद बीते दिन भाजपा के विधान पार्षद संजय जायसवाल ने रामविलास पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी पर खुलेआम बयानबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान सत्ता में बने रहने के लिए नाटक कर रहे हैं, लेकिन बिहार में सरकार बनाने के लिए भाजपा जदयू की लोजपा की जरूरत नहीं है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है आकाश कुमार, पंकज कुमार, उजाला चौधरी, अजय कुमार यादव, मोहम्मद सज्जाद, सुशीला कुमारी, नीलू उस्मानी, अजय कुमार, अविनाश कुमार, रोहित पाठक, शाहिद कुमार, लालदेव सिंह, सोहन कुमार, बबलू थानेदार, मनोज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को अभी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, अगर बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या जदयू नेता और मंत्री नीरज कुमार के द्वारा चुनाव को एक फेज में करवाने के फैसले से आप कितने सहमत हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।